अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुनिए, हमारी बात तो सुनिए। करने दीजिए विसर्जन, ये बहुत गलत है हमारे ध्रुव के लिए, ले जाने दीजिए। चुप रहेगा, चलिए हमारे साथ। हमारा ध्रुव धनिया, हमने कहा आखिरी बार कहता हूं, ध्रुव का अस्थि हाथ लगाया तो काशीनाथ पांडे की लाश का अस्थि साथ में जाएगा। अगर इसने सब कुछ बिगाड़ा है तो इसी को सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। भगवान, आपने हमें हमारी आखिरी इच्छा पूरी करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस दुनिया से जाने के बाद हमारा परिवार यूं बिखर जाएगा, लेकिन अब हम अपने बिखरे हुए परिवार को समेटेंगे, अपनी माँ और पापा को हिम्मत देंगे। और धानी, उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे हम। हमारे लिए धानी को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे, वो खुशियों की हकदार है, उसकी जिंदगियों में खुशियां वापस लेकर आएंगे, पूरे परिवार की जिंदगियों में खुशियां वापस लेकर आएंगे, और दुख और उदासियां अपने साथ ले आएंगे।
ध्रुव जी, ध्रुव जी आप कहाँ हैं? ध्रुव जी आप यहीं कहीं हैं ना? ध्रुव जी कहाँ हैं आप? ध्रुव जी हम आपको महसूस कर सकते हैं, प्लीज एक बार हमारे सामने आ जाइए ना, हम आपसे मिलना चाहते हैं। ध्रुव जी प्लीज एक बार मिलिए ना, हम सब आपको एक आखिरी बार मिलना चाहते हैं। धानी, ध्रुव जी, धानी हम धानी धानी ध्रुव जी प्लीज हमारे पास आ जाइए, एक बार एक आखिरी बार आपसे मिलना चाहते हैं। ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी कहाँ हैं आप? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हम यहाँ गाने के लिए तो आए थे, फिर हमें देख क्यों नहीं पा रही है, सुन क्यों नहीं पा रही है वो? हम उसे हाथ तक नहीं लगा पा रहे हैं। कुछ कीजिए, हमारी मदद कीजिए, कोई रास्ता दिखाइए हमें। कि आप बहुत अशांत तड़प रहे हैं, हम जाकर भी आपकी अस्थियों को विसर्जन नहीं कर पा रहे। पापा ने अपनी जान की धमकी दे दी, अब क्या करें? हम आपको ऐसे नहीं देख सकते ध्रुव जी, नहीं देख सकते। अपना सारी मुसीबतों को ही खत्म कर देते, अपने आप को ही खत्म कर देते। नहीं धानी, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगी, समझी? कुछ कह रहे हैं तुमसे धानी, धानी हमारी बात सुनो, धानी कुछ कह रहे हैं तुमसे, धानी देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। सुन रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हनी रुको, हनी हनी रुको, माफ कर दीजिए पापा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम यहां से चले गए तो सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, सब सही हो जाएगा। हमारे डरे से कुछ भी सही नहीं हो रहा है। आप ध्रुव जी के अस्थियों का विसर्जन भी कर देंगे और सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। हनी हनी, ये क्या कर रही हो? हनी हानी रुको, हानी रुको प्लीज। देखो हाथ छोड़ते तुम्हारे आगे, हानी मत करो ये सब, तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। हानी ये क्या कर रही हो तुम? हे भगवान, ये क्या किया आपने? अगर हम यहां आकर कुछ कर नहीं सकते फिर आपने भेजा क्यों हमें? देखिए आपके आगे हाथ छोड़ते हैं, हानी को बचा लीजिए, कोई रास्ता दिखाइए हमें, हमारी मदद कीजिए, धानी को बचा लीजिए, कोई रास्ता बताइए हमें। रोने से अगर जाने वाले लौट के आ जाए करें तो हर इंसान जो है कभी रोना बंद नहीं करेगा। हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जाने वाले कभी लौट के आया नहीं करते, और हमारा बिटवा हमें छोड़ के चला गया। इसी सच को लेके
जीना पड़ेगा, इसी को मानना पड़ेगा। कैसे मान ले, आप ही बताइए कैसे मान ले कि अब हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है। हमको पता है इसके जाने की वजह से सब कुछ बिखर गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म। मां, मां, पापा, 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 पापा हमारे हमारी आवाज सुन सकते हैं क्या आप? पापा हमारी आवाज सुनिए, हम ठीक आपके सामने खड़े। मां, मां, हम आपके सामने खड़े। काशी हमारी बात सुनो। भैया, भैया, भैया आप हमें देख सकते हैं क्या? भैया हमारी आवाज सुनिए। वाह, हमारे कुछ कहने से पहले हमेशा हमारी आवाज सुन लिया करते थे आप, लेकिन आज क्या हो रहा है? तो हमारे कोई देख क्यों नहीं पा रहा हमें? माँ, पापा, हम ठीक आपके सामने खड़े हैं, कोई देख क्यों नहीं पा रहा हमें? हम हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने, कोई हमारी आवाज सुनिए, कोई देखे हमें। धारी नीचे अपनी जान देने जा रही है। काशी ये क्या कर रहे हो तुम? घर में अस्थियों को इस तरह रखना अपशगुन होता है। अपनी जिद छोड़ दो और सा सम्मान अस्थियों को विसर्जित कर दो। हाँ पापा, ध्रुव जा चुका है और आपको इस बात को मानना पड़ेगा, वो लौट के वापस नहीं आने वाला। देखिए, अगर आप अस्थियों प्रवाहित नहीं करेंगे तो हम जा रहे हैं प्रवाहित करते, हम जा रहे हैं। भैया, भैया क्या कर रहा? पापा, पापा रुक जाइए प्लीज। बाप को बाप नहीं समझेगा, अब शगुन होता है। अब शगुन आप लोगों की कुकृति है, आप लोगों का दिमाग। इसलिए कह रहा ना कि फटाफट सारा कार्यक्रम हो जाए और बाप जो है पूरी दौलत जायदाद लिख दे, उसके बाद धक्का मार के बाप को बाहर निकाल देना। पापा, पापा देखिए हमारी बात सुनिए। भगवान ने हमें फिर इस घर में भेजा वापस, हमें मौका मिला इस घर को दोबारा से घर बनाने का, लेकिन उससे पहले हमें धानी को बचाना होगा। प्लीज हमारी बात सुनिए भैया। आपको जो समझना समझिए, लेकिन आज के बाद कभी हम पर हाथ मत उठाइएगा। हम कोई छोटे बच्चे नहीं है कि आपका इस तरह का नाजायज बर्ताव सहेंगे। बस हमारे आपके पास ध्रुव जी, हमारे आपके पास। आज के बाद आप जो है इस तरह के कुकर्म करने बंद कीजिएगा। हमें कोई शौक नहीं है बड़े बेटे पर हाथ उठाने का। भैया, भैया, धानी, 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 ये क्या कर रही हो तुम? धानी हाथ जोड़ो, तुम्हारे आगे प्लीज ऐसा मत करो। धानी प्लीज प्लीज उस माचिस को फेंक दो। धानी हमारी तरफ देखो, हमारी आवाज सुनो। भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप हमारी? क्या फायदा ऐसे मौके का जिस इंसान के लिए आपने हमें यहाँ पर भेजा, ना हमें वो देख पा रही, ना हमें सुन पा रही है, फिर क्या फायदा ऐसे मौके का? बताइए हमें क्या फायदा ऐसे मौके का? ओ भाई साहब, अरे चिल्ला काहे रहे हो? अरे भगवान तक अर्जी पहुंचाने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता, दिल बड़ा रखना पड़ता है देवा की तरह। ध्रुव जी है ना? अब ध्रुव जी है ना? अरे अब जिंदा है,
सही सलामत वापस आ गए। धन्य हो प्रभु के जो इनको सही सलामत वापस भेज दिया। ध्रुव जी, देवा, देवा त्रिपाठी, देखिए आप हमें नहीं जानते हैं लेकिन हम आपको जानते हैं। एक सेकंड, अगर आप सही सलामत यहाँ पर हैं तो फिर ये अस्थियां किसकी है बताइए। तुम हमें देख सकते हो हमें? ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं हमसे? आपको देख सकते हैं? मानते कि हमारी शक्ल मिलती है, बहुत मिलती है, आईने थोड़ी ना है हम, लेकिन हम जो है आपको अच्छे से देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। हमारी जो हेडलाइट है ना, ये वाली हेडलाइट, हमारी कान एकदम टनाटन है। तुम सच में हमें देख पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो हमें? अरे कितनी बार बताया अभी आपको, आप मिस्टर इंडिया या फिर कोई भूत थोड़ी ना जो आपको नहीं देख पाएंगे। हम अच्छे से देख पा रहे हो, सुन पा रहे हैं हम आपको। सुन देवा, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, धानी अपनी जान दे रही, प्लीज उसे बचा लो, हाथ जोड़ रहे तुम्हारे आगे, प्लीज। कहां पे? रसोई घर में, चलो। इस दुनिया में तो हम साथ नहीं रह पाए पर अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। क्या कर रही है? दिमाग का नट बोल्ट खराब हो गया क्या? इसको छोड़िए। आपका लाख लाख शुक्र है जो अपने देवा को वक्त पर बुला ली और धानी की जान बचा ली। देवा माचिस वापस करो, हमें मरना है तो वापस करो, ये सब में मत पड़ो तुम। देवा मजाक नहीं करे, माचिस वापस करो। अरे काहे मतलब, अरे आज तो खुशी का दिन है ना, फिर काहे मतलब मर रही हैं आप? कैसी हैं आप? वहां आपका पति मौत से लड़कर वापिस आ गया है और आप जो हैं जबरन मौत की गोद में जाके बैठ रही हैं। एक सेकंड, ये ऐसा तो नहीं कि अपने सौतन वोतन लेकर आके तभी जाके मर रही हैं आप? माफ करना हमें, उका ना कि आपके घर का एक सामान हमारे बैग में आ गया था, वो छोटा सा हाथी था। हमें लगता बादल ने गलती से माय बैग में डाल दिया होगा, गलती से यहाँ चोरी नहीं किया होगा उसने, बस वो देने आ गया। अब जब देने आए तब हमें पता चला जो आप हैं मौत को गले लगाने निकली हैं, तो सब छोड़ छाड़ कर भाग कर इधर चले आपको बचाने के लिए। तो एक बात बताइए हमें, जब आपके पति देव ध्रुव जी सही सलामत वापस आ गए हैं तो फिर आप काहे जाके मर रही हैं? क्या मतलब खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है या फिर यह सौतन ले आए, कोई तीसरी को ले आए घर पे? क्या देवा, देवा क्या बोल रहे हो तुम? ध्रुव जी, ध्रुव जी वापस आ गए? हाँ ध्रुव जी आए ना। कहाँ है वो? एक सेकंड, अगर ध्रुव जी यहाँ आके फिर गांव वालों ने किसकी अस्थियां दी आपको? देवा, देवा तुम सच बोल रहे हो, ध्रुव जी बाहर है? और कहा झूठ बोलेंगे क्या आपको हम? अरे हम कौन से उनके भूत से बात करके आ रहे हैं? अगर विश्वास ना हो रहा हमारी बात पे, काम करो हमारे साथ, चलो चल के देख लो, आ जा। अरे आइए आइए, आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो रहा ना, एक काम करिए अपनी आंखों से देख लीजिए जाकर, आइए। ध्रुव जी ये देखिए, ध्रुव जी बचा लिया हमने। ध्रुव जी कहाँ हैं? ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी।